नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे में एक और पैरामेडिकल के नाम से जो है दोस्तों ये वैकेंसी आ चुकी है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस काफ़ी वायरल हो रही है। इसमें से हमें ये पता चल पा रहा है कि इस बार की जो भर्ती है ये 1300 प्लस भर्ती है, जो 2019 में पिछले बार इसकी भर्ती आई थी वो 1900 प्लस भर्ती थी, है ना। तो उसके मुकाबले इस बार तो भर्तियां कम है। तो आइए देखते हैं कि क्या है नोटिस में लिखा हुआ और जो इस बार जो पोस्टें हैं वो कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं। सारा डिटेल कम टाइम में मैं अधिक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। ये पूरी तरह से न्यू वैकेंसी है ना, और न्यू वैकेंसी है और आपके लिए एक न्यू मौका भी मिल रहा है। बहुत से ऐसे भी छात्र होंगे जिनको रेलवे में अभी पैरामेडिकल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो जानकारियाँ हैं ये पहुँचा सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है, तब जाकर के पैरामेडिकल के बारे में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं उसके बारे में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, है ना। देखिए, यह है सेंट्रल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती आती है तो सबसे पहले उसको सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंतर्गत इसको रिलीज किया जाता है। तो वही एक आपके पास नोटिस है और ये नोटिस नंबर है 04/2024, क्योंकि ये रेलवे की चौथी भर्ती है। रेलवे की कौन सी ये भर्ती है? रेलवे की ये चौथी भर्ती है, तो CEN नंबर 04/2024 है। यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई होना है वो 17 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 16 सितंबर तक यहाँ फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि टोटल एक मंथ फॉर्म अप्लाई होने वाला है। इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, है ना, इसके अंदर कौन कौन सी जो पोस्टें होती हैं वो रिलीज़ की जाती हैं, तो ये सारी पोस्टें हैं। देखिए, ये सारी पोस्टें हैं और ये रेलवे में जो हॉस्पिटल होते हैं ना, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी एक मेडिकल के लिए जो पोस्टें होती हैं वो सारी पोस्टें यहाँ पर निकाली जाती हैं। जैसे कि आपके पास है डाइटिशियन, जो लेवल सेवन के अंतर्गत ये जॉब है, फिर है आपके पास नर्सिंग की जॉब है, फिर है ऑडियोलॉजिस्ट की है, है ना, फिर है क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट की, फिर डेंटल की है ना, डायलिसिस की है, फिर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड की है, लेबोरेटरी सुपर इंटेंडेंट ग्रेड थर्ड की भी है, फिर है परफ्यूजियोनिस्ट, है ना, फिजियोथेरेपी ग्रेड थर्ड की है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट का जो यहाँ पर लेवल है, अलग अलग लेवल के अलग अलग पोस्ट होते हैं और अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका इनिशियल पे डिसाइड किया जाता है और मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड की जाती है, और हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन अलग होता है। हर पोस्ट में एज में जो क्राइटेरिया रखा गया है ये क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग RRBs में अलग अलग यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी है आपका 1376 और 19 में वैकेंसियां थी 1900 प्लस वैकेंसियां, है ना, तो उसके मुकाबले इस बार कम है। अब मैं आपको डायरेक्टली चलता हूं कि जो 2019 में जो इसका फुल नोटिफिकेशन आया था, उस फुल नोटिफिकेशन से हम थोड़ा सा और चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किसके लिए यहां पर जो है दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन रखा जाता है और जो इनका सिलेबस होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न्स होता है, थोड़ा सा उस पर हम नज़र डालते हैं ताकि चीज़ें जो है दोस्तों आपको ये पता चल जाए, है ना। एज लिमिट मैंने बता ही दिया आपको, हर पोस्ट का अलग एज लिमिट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो आपको एज में छूट मिलता है वो सारी छूटें भी यहाँ पर मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, B1, C1, C2। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम वहाँ पर डिटेल से बात करेंगे, है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे हो गया, कैंडिडेट्स शुड हैव रिक्वेस्ट मिनिमम एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग एजुकेशन मांगा जाता है। और यहाँ पर जो फीस है दोस्तों, फीस भी अलग अलग है, है ना। जैसे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, जिनको 500 रुपये, बाकी अदर को 250 रुपये। यहाँ पर जैसे हो गया STSC, एक्स सर्विस मैन, PWD फीमेल जो है ना, इन सभी को 250 रुपये जो है ये फीस जो है ये देना होता है। अपने एग्ज़ाम प्रोसेस की तरफ एक बार हम आगे चलेंगे और फिर जो हमारा
एग्ज़ाम का पैटर्न्स होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा कैसा इसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊं, इसमें एक सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम होता है ना, जिसमें आपका प्रोफेशन यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट का यानी कि जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी से आपका 70 नंबर का सवाल पूछा जाना है। बाकी नॉट टेक का भी यहाँ पर रोल होता है, लेकिन एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आप एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट आपका डीवी होगा, सॉरी सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका डायरेक्ट वही डीवी वगैरह होगा, मेडिकल होगा, और इसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चन जो है ये सिंगल स्टेज सीबीटी होगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको 120 मिनट का यहाँ पर समय जो है दिया जाता है। अब ये देखिए, ये रहा आपका प्रोफेशनल एबिलिटी। ये प्रोफेशनल एबिलिटी वो चीज़ होती है कि जिस पोस्ट के लिए, जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उससे आपका टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, 70 नंबर का। फिर जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाती है 10 नंबर के, जनरल अर्थमेटिक यानी कि मैथ, और आपका रीजनिंग जो है ये भी 10 नंबर के, साथ में जनरल साइंस है ये भी 10 नंबर के। यानी कि आप तो अगर ALP के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे या फिर रेलवे में दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस ये ऑलरेडी आप पढ़ रखा है आपने, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पैरामेडिकल में भी काम आने वाला है, बस आपका प्रोफेशनल एबिलिटी आपको अलग से पढ़ना होगा। टोटल 100 नंबर का सवाल जो है यहाँ पर पूछा जाता है। और आपको तो पता है कि रेलवे का कोई भी भर्ती हो उसमें नेगेटिव मार्क रहना ही रहना है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्क्स इसमें भी रहता है, तो 1/3 का इसमें भी नेगेटिव मार्क्स रहता है। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर DV होता है, DV के बाद फिर आपका वही ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाती है ना। तो ये टोटल मामला है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा चलें यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा दिखाई देना चाहता हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो रखा जाता है ना। चलिए, इसकी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन रहती है, तो जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ। अभी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये आ गया आपका, जैसा कि आपका ये हो गया डाइटिशियन के लिए, तो डाइटिशियन के लिए यहाँ पर लेवल 7, ये पोस्ट का लेवल 7 है, इनिशियल पे 44,900 रुपये, है ना। लोअर एज 18, अपर एज 33, और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड C2। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है कि डाइटिशियन के लिए BSc वो भी साइंस में होना चाहिए, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन 1 ईयर कोर्स, है ना, 1 साल का कोर्स होता है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन ए हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका BSc होम साइंस प्लस MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है। अगर स्टाफ नर्स का देखेंगे, है ना, स्टाफ नर्स का देखेंगे यहाँ पर, तो सब कुछ दोस्तों आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पासड 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाई द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, है ना, ये होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। इसी प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो टोटल आपको जितने पोस्ट हैं ना, सभी पोस्ट के आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी था दोस्तों, एक शॉर्ट नोटिस के जरिए मैं आपको इतना कुछ बता दिया। रेलवे से संबंधित इसी प्रकार का न्यूज नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, है ना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।